एक अध्यापक जिन्हों असी सारे ही रब का रूप मानते हैं, जिन्हें साढ़े आने वाले बच्चों साढ़े आने वाले भविख को पढ़ा लिखा भविख लिए तैयार करना, और उस अध्यापक वालों एड्डी माड़ी कूद की गई आ कि तुहानू भी जो पूरी गल दसा कि तुहाडे दिल दे जिहड़े ने कह सकते हो कि एक करी तुहाडा दिल जिहड़ा बलूंद रह जाऊगा कि मतलब इदां दे लोग भी अज भी इस समाज दे विच हैगे। सो मैं छेती अपनी वीडियो नूं खत्म करना, मैं चाहूंगा कि जिन्हें मेरे भरा तुसीं आए हो इहनूं शेयर जरूर करियो कि बहुत जल्दी यह सरकार तक पहुंचे, यह पुलिस प्रशासन तक पहुंचे कि जिहड़ी कार्रवाई अज तक ठप्प की गई आ वह कार्रवाई की गई। सो आपां मसले दे जਦੇ ਆਂ ਜੀ, एक बेटा वा पिंड कालवा जिहड़ा हल्का कादियां दे विच पैंदा है, उत्थे एक बच्चा 9 साल का अंकुश प्रीत, उहदे पिता का नाम आ श्री जोसो मसीह, और यह बच्चा सरकारी स्कूल दे विच पढ़दा, पर इह परिवार इन्नी कु गरीबी पद्धर दे विच आ कि इहनां कोल रहिण दी अपना घर नहीं आ, यह पिंड दे जज घर दे विच रहिंदे, और यह बच्चा जदों स्कूल दे विच पढ़दा सीगा पढ़दे उत्थे स्कूल जिहड़े कालवा दे विच सरकारी स्कूल ने दो, एक छोटा स्कूल कहा जाता एक स्कूल नूं वड्डा स्कूल कहा जाता, यह अंकुश जिहड़ा बच्चा सीगा यह अपने स्कूल चों खेडदा खेडदा पिछले महीने की 15 तरीक की गल आ कि खेडदा खेडदा जिहड़ा वा वड्डे स्कूल दे विच जा पड़िया, उत्थे एक बूटा लगा सीगा आलू बुखारे का, शायद उहनूं कहिंदे ने परिवार के दसण दे मुताबिक जो है वह आलू बुखारे के बूटे नूं यह बच्चे को जां होर बच्चा कोलों ला लो, यह परिवार तां कहिंदा कि बूटा वी इहने नहीं तोड़िया, पर मैं कहना तोड़ भी दिता हो एक बूटा यह बच्चे की जिंदगी तो वड्डा तां नहीं, वह बूटा इस बच्चे ने तोड़िया। उत्थे टीचर है एक सरकारी जिहदा नाम परिवार ने दस्सिया कि बलविंदर सिंह उहदा नाम है, उन्हें इस बच्चे नूं इन्नी बुरी तरह मारिया, रीढ़ की हड्डियां ते मुक्कियां मारिया, और इस बच्चे का यह हाल कर दिता कि इहदी लैटरिन थानी इहनूं ब्लड आउंदा पिया, इहनूं खून आउंदा पिया, और जदों परिवार इहनूं होस्पिटल दे विच लैके गए ते बटाले दे विचों इस बच्चे नूं जिहड़ा जवाब दे दिता गया कि इहनूं अमृतसर लै जाओ, और बच्चे नूं सारा ही स्कूल का स्टाफ जिहड़ा सीगा सरकारी स्कूल का सारा स्टाफ नाल जाके अमृतसर दे विच होस्पिटल लिया नरेश गोयल करके। मैं चाहांगा कि वह बच्चे की तुहानूं वीडियो भी दिखाई जाए कि वह इस वेले भी होस्पिटल दे विच एडमिट आ। ये बच्चा वा जी अंकुश प्रीत जिहड़ा इस वेले उस होस्पिटल दे विच दाखल आ, और ये होस्पिटल की वीडियोज़ भी परिवार को मैं कहा कि मैनू बना के भेजो, होस्पिटल का नाम आ वा जी डॉक्टर नरेश ग्रोवर होस्पिटल है जी, आ तुसी वेख सकते हो डॉक्टर नरेश ग्रोवर होस्पिटल दे विच ये बच्चा जिहड़ा दाखल आ अंकुश प्रीत। सो मैं तुहाडे नाल इहो गल साझी करनी कि ये टीचर ने उहनूं उत्थे दाखल कराता, और इस इंसान ने सिर्फ एक 9500 रुपया परिवार को दिता, और एक 5000 रुपया जो परिवार ने दसिया कि सानू इन्ने पैसे इस इंसान ने दिते ने, और होस्पिटल का बिल जिहड़ा 52000 तों उपर हो चुकिया, और सारी गल का पता पंजाब दे विच भी आया सारे दे विच आया, तो किड्डी शर्म की गल है कि एक दुखी बंदे नूं बंदे भी गोता ते मिलदे गई, एक कोई साहब का सरपंच आ उस बंदे ने यह कहा कि मुंडा मरदा ने मर गए जे मरदेगा तो केस मेरे ते दे लियो मैं लैणा, देखो किड्डी शर्म वाली गल है कि गरीब परिवार का बच्चा तो तुम वह यहोजे काम करते हो जिसको रहने की धर्म नहीं कि अपने जज घर से रह रहे सरकारी जज घर, और जो परिवारक लोग फिर इस अध्यापक के कोल बिल भी कह गए ने कि असं बड़े गरीब मापड़े हैं साढ़े को बिल नहीं आ, और इस इंसान ने रिवॉल्वर कट के परिवार को डराया, लसेंसी रिवॉल्वर भी है इस टीचर के कोल कि तुहाडे ते जुट है जिथे जाना चल दो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देना, मित्रा जी तेरिया चीकां कढ़ा देंगे तू तेन चंगा हाथ नहीं पिया तेरी बदमाशी कढ़ देंगे तेरा लसेंस कैंसल करावे और तेरे ते 307 का पर्चा दर्ज करवावे नौकरी तेन बाद दसांगे कि होंगी है, तू एक टीचर है तू इस किते अध्यापक लैन शर्मसार कर दिता, और अज परिवार कई कंप्लेन दर्ज करवाई है, और ये बच्चे ने परिवार ने एस एस पी बटाला साहब कंप्लेन दी है, मेरी प्रशासन को बेनती आ कि इस अध्यापक से पर्चा दर्ज होना चाहिए, यदा लसेंस रिवॉल्वर का कैंसल होना चाहिए, नहीं तो साड़ी पंजाब क्रिश्चन फैडरेशन मेरी साढ़े चेयरमैन आर चौहान जी का भी गल हो चुकी है, साढ़े डायरैक्टर जॉर्ज गिल जी का भी गल हो चुकी है,
ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੰਝਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਕਿ MRI ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, MLR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਔਰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਥਾਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ 6239772991। ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, 6239772991। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ